नमस्ते एसलियंस, कैसे हैं आप सभी। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम यहां पर देखेंगे कि दृढ़ वस्तु क्या होती है और किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ होता है। किसी भी वस्तु का जो पहले तो हम इसी बेसिक को समझेंगे कि द्रव्यमान केंद्र आखिर में होता कहाँ है, और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक दृढ़ पिंड क्या होता है। दृढ़ पिंड को आप किस तरीके से परिभाषित कर सकते हो। देखो, मेरे पास में यहाँ पर दो बॉडीज हैं, मान लो, मतलब मेरे पास में यहाँ पर दो वस्तु है। एक वस्तु आप मान लो कि मेरे पास में यहाँ पर एक ये छड़ है, एक मेरे पास में ये छड़ है, दूसरा मेरे पास में यहाँ पर एक ये डोरी है। ठीक है, मेरे पास में एक छड़ है और एक डोर है। क्या होगा अगर मैं इस छड़ पर बल आरोपित करूं, क्या होगा अगर मैं इस छड़ पर बल आरोपित करूं, एक दिशा से अगर मैं इस छड़ पर बल आरोपित कर रही हूं तो क्या होगा। मान लो ये छड़ी पेन ही है, क्या होगा अगर इस पेन को मैंने इसे फिक्स कर लिया और दूसरी साइड से मैं इस पेन पर बल आरोपित कर रही हूं, क्या इस पेन की आकार में कोई बदलाव आया है। मान लो ये जो हमारी छड़ है ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के बनी हुई है। हमारी जो छड़ है यहाँ पर बिंदु एक, बिंदु दो, बिंदु तीन, बिंदु चार, बिंदु पाँच, छ, सात, आठ और इस प्रकार अनंत बिंदुओं से मिलकर के ये हमारी छड़ बनी होगी। जब मैं इसके ऊपर बल आरोपित करती हूँ तो क्या इस छड़ का जो ये पहला बिंदु है, इस छड़ का जो ये पहला बिंदु है, इस बिंदु की स्थिति इस आखिरी वाले बिंदु के सापेक्ष बदलती है। ये आखिरी बिंदु है मान लो, या फिर ये आखिरी सतह है, जो भी आप बोलना चाहो। तो जब मैं इस बिंदु पर बल आरोपित करती हूं तो मेरे द्वारा बल आरोपित करने पर, इस छड़ पर मेरे द्वारा बल आरोपित करने पर क्या इस पहले बिंदु की जो आखिरी बिंदु से दूरी है उसमें कोई परिवर्तन आता है। पहले मान लो कि ये इससे 2 मीटर की दूरी पर था और जब मैं इसके ऊपर बल आरोपित करती हूँ तब भी ये इससे कितने मीटर की दूरी पर है, तब भी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ हम सार क्या निकाल सकते हैं कि इस छड़ पर जब मेरे द्वारा बल आरोपित किया जाता है तो इस छड़ में मौजूद सभी बिंदुओं की, सभी बिंदु जो हैं अपनी मूल स्थिति में बने रहते हैं। मेरे द्वारा बल आरोपित करने पर इनका, इनके, आप मान लो कोई भी सेंटर मान लो आप यहां से कंपेयर कर रहे हो, तो इन सभी बिंदुओं की जो दूरी है वो आखिरी बिंदु के सापेक्ष नहीं बदलती है। लेकिन यही चीज, अगर यही सेम चीज मैं यहाँ पर इस डोरी के साथ करूं, अगर मान लो यहाँ पर कोई डोरी होती, मेरे पास में यहाँ है नहीं, हम अज्यूम कर सकते हैं इस चीज को, हम एक बार दिमाग में सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई डोरी है और अगर उस डोरी पर अगर उस डोरी पर हम बल आरोपित करते हैं तो ये डोरी भी बहुत सारे कणों के मिलकर के बनी हुई होगी। हम यहाँ पर इन सभी बिंदुओं की जो दूरी है उसको हम इस आखिरी बिंदु के सापेक्ष देख रहे हैं, है ना, इस आखिरी बिंदु के सापेक्ष देख रहे हैं। तो जब इस डोरी के एक सिरे के ऊपर मैं बल लगाऊंगी तो क्या होगा, ये डोरी जो है सिकुड़ जाएगी। जिस तरीके से मैं कपड़े के ऊपर ऐसे बल लगाती हूँ तो ये कपड़ा क्या, यहाँ से इस बहुत सारी डोरियों का मिलकर के बना हुआ है, तो इस कपड़े पर जब मैं बल लगाती हूँ तो ये इस तरीके से यूं सिकुड़ जाता है। या फिर एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास में स्पंज है और इस स्पंज पर जब मैं इस तरीके से बल आरोपित करती हूँ, एक सतह पर जब मैं स्पंज के बल आरोपित करती हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ कि ये सिकुड़ रहा है। मतलब जब इस स्पंज पर मैं बल आरोपित कर रही हूँ तो हो क्या रहा है, यहाँ पर ये स्पंज भी बहुत सारी बिंदुओं का मिलकर के बना होगा, लेकिन बल आरोपित करने पर क्या हो रहा है, ये पहला बिंदु, ये आखिरी बिंदु। ठीक है, पहले जब मैंने कोई भी बल आरोपित नहीं किया था तो पहले बिंदु और आखिरी बिंदु के सापेक्ष जो दूरी थी वो 2 मीटर थी, लेकिन
मेरे द्वारा बल आरोपित करने पर क्या हुआ है? यहां पर जो पहला बिंदु था उसकी स्थिति आखिरी बिंदु के सापेक्ष परिवर्तित हो गई है, और यहां पर पहले बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो परिवर्तित हो गई है। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, यहाँ हमने दो चीजें देखी हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके ऊपर जब आप बल आरोपित करते हो तो बल आरोपित करने पर उनके जो पॉइंट्स है, उनके जो मूल बिंदु है, उनके अंदर मौजूद जो स्थिति है, पहले बिंदु की जो स्थिति है वो आखिरी बिंदु के सापेक्ष बदलती नहीं है। दूरी जो है पहले और आखिरी बिंदु के सापेक्ष वो बराबर रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर जब आप बल आरोपित करते हो तो वस्तु पहले वस्तु की जो, जरूरी नहीं है पहला दूसरा भी हो सकता है, तो पहले के साथ में दूसरा भी कंक्लूड हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के रिस्पेक्टिव से पहला बोल रही हूँ। तो क्या होगा कि पहले वस्तु की जो स्थिति है वो उसी वस्तु के आखिरी बिंदु के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी वस्तुएं जिन पर बल आरोपित करने पर उन वस्तुओं का मूल बिंदु, उन वस्तुओं की जो स्थिति है, उन वस्तुओं के अंदर मौजूद जो बिंदु है, उन वस्तुओं के मौजूद जो अंदर जो कण है, बिंदु को कणी कणों से मिलकर के बना हुआ है ना, तो उन वस्तुओं के कणों की जो दूरी है वो किसी दूसरे, जिसको भी हमने मूल माना है, उस बॉडी का जो भी हमने मूल कण माना है उसके सापेक्ष अगर परिवर्तित नहीं होती है, बल लगाने पर पहले बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की जो दूरी है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, तो वह वस्तु मेरी क्या कहलाएगी, वह वस्तु मेरी दृढ़ पिंड कहलाएगी, रिजिड बॉडी कहलाएगी। लेकिन स्पंज है, स्पंज पर जब मैं बल आरोपित कर रही हूं तो यहां पर ये मेरा पहला कण, मान लो यहाँ पर पहला कण होगा, यहाँ आखिरी कण होगा, तो मेरे द्वारा बल लगाने पर पहले कण की दूरी जो है वो आखिरी कण के सापेक्ष बदल गई है। इसी वजह से जो स्पंज है या फिर जो डोर है वो दृढ़ पिंड नहीं कहलाएगा। लेकिन जब मैं इस पेन पर बल आरोपित करती हूँ तो पेन के आखिरी बिंदु और पहले बिंदु की जो दूरी है उनके मध्य कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो इस प्रकार की वस्तु जो है वो मेरी दृढ़ पिंड कहलाती है, रिजिड बॉडी कहलाती है। क्या लिखा है यहाँ पर, किसी पिंड पर एक बाह्य बल लगाने से यदि उसके कणों के मध्य पारस्परिक विस्थापन ना हो, अर्थात पहले भी 2 मीटर की दूरी थी, अभी भी 2 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पर कणों के बीच में जो विस्थापन है वो नहीं हुआ है। कणों की जो पहले दूरी थी, बाह्य बल लगाने पर भी उनकी वो दूरी मेंटेन रही है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है और जो स्थितियां हैं वो अपरिवर्तित रही है, तो ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, ऐसे पिंडों को हम दृढ़ पिंड कह देते हैं। उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप अपने घर में आसपास बहुत सारी ऐसी चीजों का उदाहरण ले सकते हैं, है ना। आप जैसे प्लेट ले लो, अगर आप प्लेट लेते हैं, उस प्लेट के ऊपर आप यहां से कोई फोर्स लगाते हैं, यहां पर कोई बाह्य बल लगाते हैं, तो प्लेट के यहां पर जो कण मौजूद है, उस कण का जो विस्थापन है या फिर उस कण की जो स्थिति है, उसकी स्थिति में इसकी आखिरी कण के सापेक्ष उस स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता है। पहले भी ये 5 मीटर की दूरी पर थे, अभी भी ये कण 5 मीटर की दूरी पर है, आपस में कणों के मध्य कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है बाह्य बल के कारण, तो ऐसी वस्तुएं हमारी रिजिड बॉडी या फिर दृढ़ पिंड कहलाती है। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि आपने बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स वगैरह देखे होंगे, फिर आपने बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर जो मेंटोर होता है या फिर जो टीचर होता है वो क्या करता है, एक बहुत बड़ी सारी वस्तु को किसी एक बिंदु पर टिका देता है। जैसे मैं स्पेन की बात करूँ, अगर स्पेन को मैं सिर्फ एक बिंदु पर, एक कण पर अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो वो कहाँ होगा, ढूंढना पड़ेगा हमें थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये जो पेन है हमारा सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो, ये वो कण है, ये वो पॉइंट है इस पेन का जहां पर ये जो पेन है वो बैलेंस हो जाता है। मतलब अगर मुझे इस पेन को, पूरे पेन को बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा बिंदु ढूंढना होगा इस पेन पर जहां पर मैं बल लगाकर इसे बैलेंस कर सकूं, संतुलित कर सकूं। तो यहाँ हम एक बार पहले डेफिनेशन देखेंगे, किसी निकाय या पिंड का द्रव्यमान, तो यहाँ पर यह पिंड था, हमारे किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होता है, किसी भी
पिंड का द्रव्यमान केंद्र उस पिंड का वह बिंदु होता है जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। मतलब मैं क्या मान सकती हूँ कि यहाँ पर जब मैंने वो पॉइंट ढूंढ लिया था, वापस ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं क्या मान सकती हूँ, जिस पॉइंट पर मैंने इसको बैलेंस कर लिया है, तो मैं यहाँ क्या मान सकती हूँ कि इस बिंदु पर इस पूरे पेन का जो द्रव्यमान है वो केंद्रित हो सकता है। संपूर्ण द्रव्यमान मतलब इस पूरे पेन के अंदर जो द्रव्यमान है वो पूरा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरा इस तरीके से फैलावा होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक वो पॉइंट ढूंढ लिया था जहां पर इस पूरे पेन का जो द्रव्यमान है वो केंद्रित हो सकता है। ठीक है, तो बाह्य बलों को इस बिंदु पर लगाने से निकाय की गति अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी पिंड का अगर द्रव्यमान केंद्र मिल जाता है, तो उस द्रव्यमान केंद्र पर जब भी आप कोई बाह्य बल लगाते हो, तो बाह्य बल को जब आप द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित करते हो, तो उस पिंड की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता है, उसकी गति में कोई भी बदलाव नहीं आता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो चक्री पे यहाँ पर बिल्कुल हाथ रख लेते हैं, जिस तरीके से कोई चक्री होती है, या फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं इस पंखे पर इस तरीके से हाथ रख लेते हैं, तो क्या होता है, वो यहाँ पर जब सेंटर में हाथ रखते हैं ना, तो उनकी उंगली को भी कुछ नहीं होता और पंखे पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीजें भी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इस पंखे का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो इस बिंदु पर केंद्रित माना जाता है, जिसके कारण जब आप यहाँ पर इसके सेंटर पर जब आप बल लगाते हैं, तो इस पंखे की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर आप वही बल पंखे की इस पंखुड़ी पर लगाओगे, तो इसकी गति में परिवर्तन आएगा। तो मैंने क्या बोला है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उस पिंड का उस बिंदु पर, जैसे मान लो ये मेरी छड़ है, यहां पर हम एक छड़ बना लेते हैं, मान लो मेरे पास में यहां पर एक छड़ है, तो इस ये छड़ बहुत सारे बिंदुओं के मिलकर के बनी होगी, लेकिन इस छड़ का वह बिंदु जहां पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, वही इस छड़ का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र हो वो उसके सेंटर में ही मौजूद हो, जरूरी नहीं है कि हर वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है वो उस वस्तु के सेंटर में ही मौजूद होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम चम्मच का उदाहरण लेते हैं, तो अगर आपको चम्मच को बैलेंस करना होगा, तो चम्मच को बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ये आपकी चम्मच है, इस चम्मच को बैलेंस करने के लिए आपको जो बल है वो यहाँ किसी इस पॉइंट पर बैलेंस करना होगा। यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगेगी, मान लो ये हमारे पास में समान मोटाई की एक छड़ है ना, सब साइड से ये इक्वल ही मोटी है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र आपको यहाँ सेंटर में मिलेगा। ठीक है, इसका द्रव्यमान केंद्र आपको सेंटर में ना मिलकर के जहां पर द्रव्यमान ज्यादा केंद्रित है किसी वस्तु का, उस साइड में मिलेगा। मान लो आपके पास में कुछ इस प्रकार की छड़ है जो आगे से तो पतली है और पीछे से थोड़ी मोटी है, तो इस प्रकार की वस्तु को अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो आपको कहीं इस जगह मिलेगा। यहाँ पर आपको इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं इस जगह मिलेगा। तो यहाँ पर इन तीनों डायग्राम को जब देखते हो, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पर होगा, वो उस जगह ज्यादा शिफ्टेड होगा, उस तरफ ज्यादा होगा जहां पर वस्तु का ज्यादा द्रव्यमान केंद्रित है। देखो यहां से छड़ मोटी है ना, तो सेंटर ऑफ मास मोटाई की तरफ है ना, यहां से लंबाई कम है वहां से लंबाई कम है। यहां पर ये इस छड़ के अंदर जो द्रव्यमान है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, पूरी छड़ के अंदर जो द्रव्यमान है वो समान रूप से विस्तृत था, तो इसका द्रव्यमान केंद्र हमें इसके सेंटर में ही मिला है। इस चम्मच को देखो, चम्मच आगे से ज्यादा मोटा है और पीछे से पतला है, तो यहाँ पर द्रव्यमान जो है वो इस हिस्से में आगे की तरफ जो द्रव्यमान है वो ज्यादा केंद्रित है, तो जिस साइड में द्रव्यमान ज्यादा केंद्रित होगा प्रत्येक वस्तु का,
प्रत्येक वस्तु जिसका भी द्रव्यमान किसी एक ओर अगर केंद्रित है, मतलब एक ओर ज्यादा द्रव्यमान भरा हुआ है, तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है वो उस साइड ज्यादा होगा जहां पर द्रव्यमान ज्यादा है। यहाँ पर देखो द्रव्यमान कम है तो यहाँ से लंबाई ज्यादा है, इधर द्रव्यमान इस हिस्से में है ना, इस हिस्से के अंदर सीधे हाथ के हिस्से की तरफ, यहाँ पर द्रव्यमान ज्यादा है तो वस्तु का द्रव्यमान केंद्र भी जो है वो कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रखा है, जहां पर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है। अब देखो इस चीज को हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो कि हमारे पास में यहाँ पर ये इस तरीके का कोई वस्तु है। अब इस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? अगर आप इस वस्तु को बिल्कुल सेंटर से अगर आप बैलेंस करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो यहाँ इतने हिस्से में कम द्रव्यमान है और इस हिस्से में ज्यादा द्रव्यमान है, क्योंकि आगे से चौड़ा हो गया है। तो इस वस्तु को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस वस्तु को बैलेंस करने के लिए आपको उसका द्रव्यमान कहीं यहाँ पर जाकर के मिलेगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे इस पेन को भी अगर मैं सेंटर से बैलेंस करना चाहूंगी ना तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे से पतला है और ये पीछे से मोटा है, आगे इसका द्रव्यमान कम केंद्रित है तो ये परफेक्टली बैलेंस नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे इसका द्रव्यमान केंद्र ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे सॉलिड, जो भी हमारे पास में रिजिड वस्तुएं उनकी। अब अगर हमें किसी निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? मान लो हमारे पास में कोई ये केंद्र है, इस ये जो हमारा सिस्टम है, इस निकाय के अंदर बहुत सारे कण मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास में कण मौजूद है M1, यहाँ पर हमारे पास में कण मौजूद है M1, यहाँ पर हमारे पास में कण मौजूद है M2, यहाँ पर इसी प्रकार हमारे पास में कण मौजूद है M3, और इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर कण मौजूद है M4। कण एक की जो मूल बिंदु से दूरी है उसको हम R1 मान लेते हैं, कण दो की जो मूल बिंदु से दूरी है उसको हम R2 मान लेते हैं, कण तीन की जो मूल बिंदु से दूरी है उसे हम R3 मान लेते हैं, और कण चार की जो मूल बिंदु से दूरी है उसे हम R4 मान लेते हैं। तो ये भी क्या है, निकाय क्या है भाई? ये भी कोई बॉडी होगी जिसके अंदर बहुत सारे कण हैं। अगर मान लो मैं इस गोले की बात करती हूँ तो इस गोले के अंदर बहुत सारे कण होंगे, मतलब ये गोला क्या है, एक कणों का निकाय है। इसी प्रकार से हमारे पास में कोई वस्तु थी जो क्या है, जो कणों का एक निकाय है। तो उस कणों के एक निकाय का अगर आपको द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई निकाय है जिसके अंदर चार कण हैं, और इन चारों कणों का जो केंद्र है, इन चारों कणों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पर इसको मैं द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास लिख सकती हूँ, और इस द्रव्यमान केंद्र की मूल बिंदु से जो दूरी है उसको मैं R सदिश मान लेती हूँ, मान सकती हूँ ना। अभी हम इसका डायग्राम जो फॉर्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ। तो यहाँ पर एन कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र की हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एन कणों के द्रव्यमान के लिए स्थिति सदिश निकाल रही हूं, मतलब इन कणों का जो निकाय है इसका द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या है हम वो ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा n कणों का कोई द्रव्यमान होगा। यहाँ पर हम एक और मान लेते हैं कि भाई बहुत सारे कण मौजूद होंगे और इनकी जो दूरी है वो rn होगी। तो इन n कणों के निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी स्थिति ज्ञात कर रहे हैं, हमें तो पोजीशन जाननी है कि कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने बाय डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है उस केंद्र पर पूरी की पूरी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो केंद्रित हुआ हुआ माना जाता है, कि पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है इस वस्तु का वो उसे केंद्र पर इकट्ठा हुआ होता है, मतलब माना जाता है कि हाँ यहाँ पर पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है वो इसका इकट्ठा हुआ हुआ होगा। तो बाय डेफिनेशन हम इसको सॉल्व करेंगे,
जहां पर जिस पॉइंट पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है वही हम उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। अच्छा तो देखो यहाँ पर इस वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ केंद्रित होगा, इस पॉइंट पर केंद्रित होगा, इस पॉइंट पर केंद्रित होगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं CM, इस पॉइंट पर केंद्रित होगा जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ MCM, कि यहाँ पर इस वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होगा और इसका ये स्थिति सदिश हो जाएगा, है ना, कि इस पॉइंट पर केंद्रित होगा, इस पॉइंट पर केंद्रित होगा और इस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी RCM हो जाएगी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की स्थिति फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इन कणों का संपूर्ण, इन कणों का जितने भी कणों से मिलकर के निकाय बना हुआ है, इन कणों का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो कहाँ केंद्रित होता है, संपूर्ण द्रव्यमान मतलब सारा का सारा द्रव्यमान इस एक पॉइंट पर केंद्रित होगा। तो यहाँ पर क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ M1, एक सेकेंड, क्या यहाँ पर इस चीज को मैं ऐसे लिख दूँ M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4 और इसी तरीके से MNRN, क्योंकि ये R कणों का निकाय है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि ये R कणों का निकाय है। अच्छा अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र निकाल रहे हैं तो आपने यहाँ पर द्रव्यमान और स्थिति का गुणा क्यों लिया है? तो बच्चों जो द्रव्यमान, जो हमारा द्रव्यमान और स्थिति का गुणज होता है उसे हम मूमेंट बोलते हैं, किसी भी कण का वो मूमेंट होता है। तो यहाँ पर किसी भी n कणों के निकाय के लिए अगर आपको उस कण के निकाय का अगर आपको द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है तो आपको यहाँ पर उसे इसी फॉर्मूला से ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ हमने क्या बोला है कि भाई जो द्रव्यमान केंद्र का मूवमेंट है वो यहाँ पर सभी उस कण के अंदर जितने भी निकाय हैं उन निकाय के मूवमेंट का टोटल होगा, है ना, उनका टोटल होगा, उनका कुल योग होगा। अब यहाँ पर हम MCM को ऐसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र को क्या बोलते हैं हम, कि भाई यहाँ पर इस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो केंद्रित होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं, इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर जब हम इस चीज को रखेंगे तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं RCM, क्योंकि हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, हम इस चीज में इंटरेस्टेड है कि किसी भी निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी स्थिति निकालने में इंटरेस्टेड है, ताकि हम उसको बिल्कुल आसानी से उसको हम बैलेंस कर सके। तो यहाँ पर हम ये सूत्र लिखेंगे M1R1, बिल्कुल हमने क्या बोला है कि जो भी हमारा कण है, जो भी हमारे निकाय है, उनके कणों का जो मूवमेंट का योग होगा वो द्रव्यमान केंद्र का जो मूवमेंट है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ MN की वैल्यू पुट करूंगी, बाकी सब चीजें हमारी सेम चल रही है। M3R3 प्लस M4R4 और इसी तरीके से MNRN। अब यहां पर हम नीचे क्या लिख सकते हैं, भाई आपको स्थिति ज्ञात करनी है ना, तो स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करूंगी, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है ना, कि पूरे के पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ केंद्रित है, तो उस पॉइंट की, उस कण की स्थिति ज्ञात करनी है कि किस कण पर पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र केंद्रित है, द्रव्यमान केंद्रित है, पूरे कण, पूरे निकाय का जो द्रव्यमान है वो किस कण पर केंद्रित है, उसकी स्थिति निकालने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पर m था ना, इस m से डिवाइड कर दूंगी और MCM का मान क्या है, MCM का मान है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 और इसी तरीके से प्लस MN। तो यहाँ पर आपको किसी भी n कणों के निकाय का अगर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है तो आप इस सूत्र को रख करके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इतना क्लियर है। वापस बता देती हूँ, यहाँ पर हमने क्या देखा है, पहले हमने रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा है कि भाई जो हमारा रिजिड बॉडी होता है या फिर जो हमारा दृढ़ पिंड होता है वो कोई भी वह वस्तु होती है जिस पर बाह्य बल लगाने पर जो वस्तु के अंदर कण मौजूद है उनके आपेक्षिक स्थिति में या फिर
आपेक्षिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उनके अंदर कोई भी आपेक्षिक विस्थापन नहीं होता है, वो अपनी मूल स्थिति में बने रहते हैं। आपस में जो उनकी मूल स्थिति है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, मतलब पहले कण का आखिरी कण के सापेक्ष जो स्थिति थी वो बरकरार रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसी वस्तुओं को हम दृढ़ पिंड बोलते हैं। और फिर हमने क्या देखा था, जो भी हमारे दृढ़ पिंड होते हैं उनका, उस पिंड का जो संपूर्ण द्रव्यमान है किसी एक कण पर केंद्रित माना जा सकता है, और उस कण को हम क्या बोलते हैं, उस कण को हम उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। अब मान लो मेरे पास में यहां पर n कण का कोई निकाय है, जिसका मैं वह कण ज्ञात करना चाहती हूं, जिसके द्रव्यमान केंद्र के कण की मैं स्थिति ज्ञात करना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरे पास में कोई निकाय है जिसके अंदर बहुत सारे कण हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि इस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, हर केंद्र की दूरी ज्ञात कर ली है मूल बिंदु के सापेक्ष, और हर केंद्र का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। यहाँ पर मैंने क्या करा है, मूमेंट निकाल लिया है, हर केंद्र का मूमेंट निकाल लिया है। मूमेंट क्या होता है, कण का द्रव्यमान व कण की स्थिति, है ना, कण का द्रव्यमान और मूल बिंदु के सापेक्ष कण की स्थिति। तो यहां पर मैंने मूवमेंट निकाल लिया है। तो द्रव्यमान केंद्र वाला जो कण है, वो कण जहां पर संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्रित है, उस कण का जो मूवमेंट है वो निकाय में मौजूद सभी कणों के मूवमेंट के बराबर होगा। तो उस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया है, यहाँ पर जो हमारा वो कण जिस पर संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्रित है उसको मैंने MCM से लिख लिया है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास का संपूर्ण द्रव्यमान, निकाय का पूरा जो द्रव्यमान है वो इसी कण पर, इसी बिंदु पर केंद्रित है, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर MCM का मान मैंने नीचे लिख दिया है, और यहाँ से मुझे पता लग गया है, फिर इस सूत्र से मुझे पता लग गया है भाई मेरे को क्या निकालना था, कि कहाँ पर वो बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो उस बिंदु की स्थिति तो ज्ञात करनी थी, तो यहाँ से मैंने स्थिति को तो यहीं रहने दिया और द्रव्यमान को नीचे भेज दिया, जिससे मुझे पता लग गया है कि भाई इस निकाय के अंदर, इस निकाय में जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी स्थिति कहाँ मौजूद है। आपका सिर्फ सिंपल फॉर्मूला आएगा, आपके से कोई भी परिभाषा नहीं पूछेगा, जो सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताती चलती जाऊंगी। अब यहाँ पर आपके पास में कोई n कणों का समूह है, एन कण के समूह के लिए माना आयत कण, मतलब बहुत सारे कण होंगे, कोई भी आयत कण तक होगा, का द्रव्यमान mi तथा इसके निर्देशांक xi, yi और zi है। तो अगर आपके वो कण x अक्ष के सापेक्ष आ रहे हैं, तो उनका द्रव्यमान केंद्र आप इस तरीके से निकाल सकते हो, अगर वो y अक्ष पर आ रहे हैं तो उसका द्रव्यमान केंद्र आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि भाई द्रव्यमान केंद्र जो है उसको आप ले लो। ये क्या है, ये जो सिग्मा xi लिखा हुआ है ना, ये यही है, इसको देख करके घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि हमने जो ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाली है ना, RCM, इसको हमने कैसे निकाला है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 और इस तरीके से mn rn। और नीचे हमने क्या लिया है, नीचे हमने जो द्रव्यमान केंद्र जहां पर स्थित है वो ले लिया, मतलब आप टोटल द्रव्यमान भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर m1 प्लस m2 प्लस m3, इस पूरी चीज को इसने क्या बोल दिया है, इस चीज को भाई पूरा का पूरा द्रव्यमान यहाँ केंद्रित होगा, तो उसको इसने कैपिटल M से दर्शा लिया है। नीचे वाली चीज को इसने पूरा कैपिटल M से दर्शा लिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि जो स्थिति है उस कण की स्थिति जहां पर संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्रित है उसको आप ऐसे निकाल सकते हो। अब इसको का योग कर रहे हैं ना, तो योग करने के लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं समेशन। तो यहाँ पर ये m1 r1 m2 r2 m3 r3 है, तो हम मान लेते हैं कि जो n का मान है वो n तक जा रहा है। भाई यहाँ पर पांच कण होंगे तो आप n का मान 5 रख दोगे, 10 कण होंगे तो n का मान 10 रख दोगे, तो इस तरीके से जा रहा होगा वो। तो mn rn जितने भी कण है वो बटा जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है, बटा हम m रख देंगे, जो भी हमारे द्रव्यमान केंद्र का, जो भी मतलब हमारे संपूर्ण निकाय का जो द्रव्यमान है उसको हम नीचे रख करके डिवाइड कर देंगे। अगर वो x अक्ष के सापेक्ष है तो आप उसको
एक्स अक्ष के सापेक्ष है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, वाई अक्ष के सापेक्ष है तो आप MIYI लिख सकते हो, भाई स्थिति सदिश है ना, हमने आर मान लिया था यहाँ पर एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो हम स्थिति को x1 x2 x3 मान लेंगे, वाई अक्ष के सापेक्ष है तो y1 y2 y3 मान लेंगे, जेड अक्ष के सापेक्ष है तो z1 z2 z3 मान लेंगे। चलो तो सिंपल वही फॉर्मूला है, बस उसको इसने चिन्ह के साथ में रख दिया है, समेशन वाले चिन्ह के साथ में रख दिया है। अगर आपके पास में कोई नियमित आकार का पिंड है और उस पिंड का अगर आप द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना चाहते हो x अक्ष के सापेक्ष, तो आपको क्या करना है, पूरे पिंड का जो द्रव्यमान है उसको आप 1/m लिख दोगे, और उस पूरे नियमित आकार का है तो आपको किसी भी एक कण की अगर दूरी दे दी तो आप उसका अवकलन कर दे द्रव्यमान की सापेक्ष, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इस तरीके के वैसे जनरली क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मूला मैंने इंक्लूड कर दिया है, क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। अभी आप सिर्फ यहाँ पर जो है फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और यहाँ पर ये x अक्ष के सापेक्ष है, ये y अक्ष के सापेक्ष है, स्थिति आपको जिस अक्ष के सापेक्ष देंगे आपको उसी अक्ष के सापेक्ष इसको निकालना होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अच्छा विभिन्न पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र, इससे पहले मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बता देती हूँ। अब मान लो कि आपके पास में दो कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा सवाल पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सीधा सवाल पूछा जाता है। दो कणों के निकाय के लिए जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी स्थिति कैसे निकालोगे। बिल्कुल सिंपल वही फॉर्मूला है ना, बिल्कुल सिंपल वही फॉर्मूला है। हमने क्या देखा था, अब यहां पर हमारे पास में दो कणों का निकाय है, मतलब दो ही कण होंगे, तो दोनों कणों के मूवमेंट का योग कर लेंगे हम, और दोनों कणों का जो कुल द्रव्यमान है उससे हम इसे भाग दे देंगे, उससे हम इसे भाग दे देंगे। इसमें से इस फॉर्मूला में से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। आगे चले, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा का सीधा सवाल पूछा जाता है। अब एक और कंडीशन क्या है कि आपके पास में दो कणों का निकाय है, आपके पास में निकाय के दोनों कण के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि जो हमारे जब दोनों कण का द्रव्यमान समान हो, ये कंडीशन है यहाँ पर कि दोनों ही कण जो है उनका द्रव्यमान क्या है, समान है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं M1 बराबर M2 है, और जब दोनों बराबर है तो उसको मैं M से लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा नया सूत्र बनेगा वो क्या हो जाएगा, भाई अगर दो कण का निकाय है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, M1 प्लस R1 प्लस M2 R2 बटा M1 प्लस M2। अगर दो कणों का निकाय है तो दोनों कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालने के लिए मैं सूत्र अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि M1 और M2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पर इसी सूत्र को मैं कैसे लिख लूंगी, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, M1 R1 प्लस M2 R2 बटा M1 प्लस M2। तो यहाँ पर अगर M1 और M2 दोनों बराबर है तो उसका मान मैं सीधा M रख लूंगी, तो MR1 प्लस MR2 बटा M प्लस M कितना हो जाएगा, 2M हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से मेरा M कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, R1 प्लस R2 बटा 2M, M से M कट जाएगा। तो अगर मेरे पास में दो कणों का निकाय है और उन दोनों कणों के निकाय के अंदर जो दोनों कण है उनका द्रव्यमान बराबर है, तो उस कण के द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, दोनों कणों की स्थिति के
एवरेज के बराबर हो जाएगी, मीन के बराबर हो जाएगी, औसत दूरी दोनों कणों के मील बिंदु से जो औसत दूरी है उसके बराबर ही उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति मुझे मिलेगी। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसका आपको ध्यान रखना है, इनमें से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको यहाँ पर मेरे साथ में नोट करते जानी है, जिसमें से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर हम नोट करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नोट का, वो हम ये लिखेंगे कि यदि दो कणों के यदि दो कणों के चलो इसको दोबारा ही लिख देते हैं हम थोड़ा सा ठीक से फैल ली। तो यहां हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यदि दो कणों के का द्रव्यमान एक समान हो यदि दो कणों का द्रव्यमान एक समान हो अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि M1 बराबर M2, जिसको हम दोनों को ही M से दर्शाएंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा तब इस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आप किस प्रकार ज्ञात करोगे, जो अभी हमने सूत्र लिखा था वही इसका उत्तर होगा। इसकी जो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आप कैसे निकालोगे, दोनों कणों की मूल स्थितियों का जो औसत है वही उस निकाय के उस मूल बिंदु के औसत का जो मान है वहीं पर आपको उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट नंबर एक हम नोट कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे जिसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे फिर से पूछा जाता है, इन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है पर थ्योरिटिकल क्वेश्चन जो है सीधे सीधे स्टेटमेंट के आधार पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं द्रव्यमान केंद्र पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ हेडिंग लगा लेंगे द्रव्यमान केंद्र पर आधारित मुख्य तथ्य, इनमें से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना, तो हम इन्हें नोट कर लेंगे। क्या तथ्य है, सबसे पहले पॉइंट नंबर वन हम यहां लिखेंगे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति द्रव्यमान केंद्र की स्थिति चुने गए निर्देशांक ज्यामिति पर निर्भर नहीं करती। क्या मतलब है, मतलब जैसे हम बोलें कि एक ह्यूमन जो है
एक इंसान जो है उसका द्रव्यमान केंद्र उसकी नाभि पर स्थित होता है, तो क्या ये इंसान जब ये इंसान धरती से चंद्रमा या फिर जुपिटर पे जाएगा तो क्या इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति भी बदल जाएगी? मेरे पास में मान लो कि एक ये रेक्टेंगल है, आयताकार एक बॉक्स है, इसका द्रव्यमान केंद्र जो है इसके बिल्कुल इसके बॉक्स के केंद्र पर ही इसका द्रव्यमान केंद्र जो है वो केंद्रित है, द्रव्यमान कण का मतलब वो पॉइंट जो है इसके केंद्र पर ही स्थित है जहां पर इस पूरे बॉक्स का द्रव्यमान जो है वो केंद्रित है। तो क्या इस बॉक्स को मैं उठा करके अर्थ से चंद्रमा पर ले जाऊंगी तो इसके द्रव्यमान केंद्र जो है उसकी स्थिति में भी बदलाव आ जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इस बॉक्स को उठा करके कहीं भी ले जाओ, इसका द्रव्यमान केंद्र जो है वो वहीं रहेगा जहां पर वो था। तो मतलब आप अगर मूल बिंदु को बदल रहे हो, अगर आप मूल बिंदु को बदल रहे हो या फिर अगर आप स्थिति में बदलाव ला रहे हो, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं अब यहाँ आ गई, तो क्या मेरा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति भी बदल जाएगी? तो नहीं, मेरे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति नहीं बदलेगी, मेरे द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है वो वहीं पर बनी रहेगी जहां पर वो थी। तो इस पॉइंट का यहाँ पर यही मतलब है कि अगर आप निर्देशांक ज्यामिति बदलते हो तो यहाँ पर उससे आपके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और दिख नहीं रहा होगा ना शायद आपको, द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वही रहती है जहां पर वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वस्तु की आकृति व द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट यहां हम लिख लेंगे कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वस्तु के आकार, वस्तु के आकार तथा द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। क्या मतलब है इस चीज का? तो इस चीज का मतलब ये है कि आपकी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी वस्तु की आकृति कैसी है और उस वस्तु के अंदर जो द्रव्यमान का वितरण किया गया है, जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो कि आपके पास में, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल बताया था कि ये छड़ है जो यहां से तो पतली है, यहां से मोटी है, मतलब छड़ के इस हिस्से के अंदर द्रव्यमान जो है वो ज्यादा वितरित है और छड़ के इस हिस्से में द्रव्यमान की जो द्रव्यमान का जो वितरण है वो इस हिस्से में कम है, लेफ्ट वाले साइड में, बाएं हाथ की ओर जो हिस्सा है, ये वाला जो मेरा हिस्सा है इस हिस्से के अंदर यहाँ पर है ना, इस वाले हिस्से के अंदर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर द्रव्यमान वितरण जो है वो कम है, और बल्कि आगे वाले हिस्से के अंदर जो द्रव्यमान का वितरण है वो ज्यादा है। तो इस बात से, इस चीज की वजह से जो मेरी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र है, इस बात का असर मेरी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पर पड़ता है। यहां पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि वस्तु का द्रव्यमान जिस ओर केंद्रित होगा, वस्तु का द्रव्यमान जिस तरफ ज्यादा होगा है ना, वस्तु का द्रव्यमान का जो वितरण है वो जिस साइड ज्यादा होगा वस्तु का द्रव्यमान केंद्र भी उसी ओर होगा। मतलब यहां पर
वस्तु के इस हिस्से में द्रव्यमान का वितरण ज्यादा है, मतलब जो द्रव्यमान केंद्र होगा उस वस्तु का वो यहाँ कहीं आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ कहीं आपको मिलेगा। जहां पर ज्यादा द्रव्यमान इकट्ठा हुआ हुआ है वस्तु का, वहीं पर आपको वस्तु का द्रव्यमान केंद्र भी मिलेगा, उस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति भी आपको वहीं मिलेगी जहां पर वस्तु का टोटल द्रव्यमान जो है वो इकट्ठा हुआ हुआ है, जहां पर ज्यादा द्रव्यमान वितरित है उसी जगह आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर एक चीज और, अच्छा ये तो बात हो गई द्रव्यमान वितरण की, आकृति पर कैसे निर्भर करता है। मान लो मेरे पास में तीन छड़ है, ये एक छोटी छड़ है, ये एक बड़ी छड़ है और ये एक उनके बीच की आकार की छड़ है। इस कण का, इस छड़ का जो द्रव्यमान केंद्र है, क्योंकि इसका द्रव्यमान वितरण जो है वो एक समान है, पूरी छड़ का जो द्रव्यमान वितरण है वो एक समान है, तो इस छड़ का जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहाँ होगा, लेकिन ये छड़ उससे थोड़ी सी लंबी है तो इसकी आकृति में परिवर्तन आ गया, इसकी लंबाई लंबी है, तो यहाँ पर इस छड़ का जो द्रव्यमान होगा वो इस छड़ के सेंटर में आपको मिलेगा, है ना, और इस लंबी वाले छड़ का जो द्रव्यमान केंद्र है वो भी आपको इस छड़ के सेंटर में मिलेगा, लेकिन क्योंकि इनकी जो लंबाई है वो अलग अलग है तो इनकी मूल बिंदु के सापेक्ष जो है, इनकी मूल बिंदु के सापेक्ष इनके केंद्र में मिलेगा। यहाँ पर मैंने तीनों को बनाया इस तरीके से कि आपको एक लाइन में लग रही है, आप इसको इस तरीके से समझ लो कि आपकी एक छोटी छड़ है, ये आपकी बड़ी छड़ है और ये आपकी उससे भी बड़ी छड़ है, ठीक है, दिख नहीं रहा है यहाँ से, एक सेकेंड, ये आपकी एक छोटी छड़ है, ये आपकी उससे बड़ी छड़ है, ये आपकी उससे बड़ी छड़ है। इस छड़ का द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा, इस छड़ का जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहाँ कहीं होगा और ये जो लंबी वाली छड़ है इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ कहीं स्थित माना जाएगा। तो वस्तु की आकृति और वस्तु के अंदर किस तरीके से द्रव्यमान को वितरण किया गया है उस पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो है वो निर्भर करती है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है और सीधा जवाब आपको इसका देना है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर हम और नोट कर लेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम और नोट कर लेंगे। यहाँ पर एक बात हम और नोट करेंगे, एक्चुअली में दो बातें नोट करेंगे, यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन बनता है। कुछ वस्तुएं हैं तो कुछ वस्तुओं की आकृतियों के, इनमें से सीधा पूछ लेते हैं के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पूछा गया है ना, इनमें से सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, तो यहाँ हम नोट करते चलेंगे इन बातों को, क्योंकि सीधा सीधा सवाल पूछा है तो सीधा सीधा जवाब हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं वस्तु का नाम लिखूंगी, यहाँ मैं वस्तु का नाम लिखूंगी, यहाँ मैं वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को लिखूंगी, ठीक है, इस लिख देंगे। सबसे पहले जो मैं वस्तु ले रही हूं या फिर सबसे पहले जो मैं आकृति ले रही हूं वो है मेरा एक समान खोखला गोला, हॉलो स्फीयर बॉल, जैसे टेनिस का बॉल होता है अंदर से खाली, वैसा बास्केटबॉल भी अंदर से खाली होता है ना, वैसा। फिर हम लेंगे एक समान ठोस गोला, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है पूरे अंदर उसके कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है, वो एक समान ठोस गोला होगा, मतलब एक समान मतलब जो द्रव्यमान का वितरण है वो पूरे वस्तु के अंदर समान रूप से करा गया है। फिर हम एक समान वलय ले लेंगे, एक समान वृत्तीय वलय, वलय मतलब रिंग। फिर हम क्या लेंगे,
चौथा हम ले लेंगे एक समान वृत्ताकार चकती, एक समान वृत्ताकार चकती, एक समान वृत्ताकार चकती, जिसको हम डिस्क बोलते हैं, और इसको हम रिंग बोलते हैं वाले को। इसका डायग्राम भी बना दूंगी मैं, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और फिर हम लेंगे एक समान छड़, एक समान छड़, और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास में त्रिभुजाकार समतल पटल, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर प्लेन, अभी बना के बताती हूँ, समतल समतल पटल कैसा होता है, चलो बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि एक समान खोखला गोला, मतलब इस गोले में कुछ भी भरा हुआ नहीं होगा, इस गोले में हमारा कुछ भी भरा हुआ नहीं है, खोखला है अंदर से खाली। तो इसका, इस खोखले गोले का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ होगा, गोले के केंद्र पर ही होगा, गोले के केंद्र पर। फिर क्या है, एक समान ठोस गोला, तो ठोस गोले के अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा, तो इसके अंदर अपन कुछ भर देते हैं, कुछ भी भर देंगे, कोई सा भी पैटर्न ले लेते हैं, मुझे तो उसको सिर्फ फिल करके दिखाना, या फिर हम इसे सिंपल ऐसे मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा, कोई ना कोई मैटर इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका भी जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहां केंद्रित होगा, वो भी गोले के केंद्र पर होगा। फिर है हमारे पास में एक वलय, एक वृत्तीय वृत्तीय, एक समान वृत्तीय वलय। वृत्तीय वलय क्या होता है, वृत्तीय वलय होता है रिंग, वृत्तीय वलय होता है हमारे पास में रिंग। तो इस तरीके का कोई रिंग होगा हमारे पास में, इस तरीके का खाली सा कोई रिंग होगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, और इसको हम यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर भी एक चकती की बात हुई है, तो चकती और रिंग में क्या अंतर होता है कि जो हमारी चकती होती है वो पूरी इस तरीके से भरी हुई है। समोसे वाली प्लेट देखिए, बर्थडे पार्टी में जाते हो तुम, समोसा जिस प्लेट में खाते हो वो क्या होती है, वो एक चकती का ही उदाहरण है ना। तो ये चकती तो अंदर से पूरी भरी हुई है, ऐसी फ्लैट डिस्क होती है ना, उसको आप क्या बोलते हो, चकती बोलते हो। देखो इसको, चकती को आप इस तरीके से भी बना करके समझ सकते हो कि आपको इस तरीके से दिखती है वो, ये इस तरीके से चकती दिखती है ना। तो ये आपकी क्या है, चकती है, और चकती जो है बीच में से भरी हुई होती है, कुछ ना कुछ उसमें ठोस भरा हुआ होता है। और आपने वो गेम खेला है मेले में जाकर के छल्ला फेंकते हम किसी के ऊपर, तो वो छल्ला जो होता है ना वो आपका रिंग का वलय का उदाहरण होता है, वो छल्ला जो है आपका रिंग का या फिर वलय का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर भी जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ होगा, वलय के केंद्र पर। जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ स्थित होगा, वलय के केंद्र पर, और यहाँ पर जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ होगा, वो हमारे चकती के केंद्र पर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो द्रव्यमान है वो हमारा, जो द्रव्यमान का केंद्र, वो मूल बिंदु कहाँ स्थित होगा, वो मूल बिंदु जिस पर पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्रित है वो चकती के केंद्र पर ही मिलेगा आपको, चकती के केंद्र पर। फिर कौन आता है, फिर आते हैं हमारी दूसरी चीजें, एक समान छड़। तो एक समान छड़ क्या होती है, तो एक समान छड़ मतलब समान ऐसी एक छड़ जो आगे पीछे सब जगह से एक जैसी हो, इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब जगह, द्रव्यमान वितरण जो है वो सब जगह से एक प्रकार का ही हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास में छड़ है, और इस
छड़ के अंदर हम मान लेते हैं कि ये एक समान छड़ है, तो यहाँ पर जो इसका द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ स्थित होगा? छड़ के केंद्र पर। छड़ के केंद्र पर। कैसी छड़ है? आगे पीछे से मोटी नहीं है, ये पूरी एक समान मोटाई की है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। फिर क्या आता है? फिर आता है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या इंपॉर्टेंट चीज आई है हमारे पास में? इसका मैं आपको अलग से डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। हाँ, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज आई है कि त्रिभुजाकार समतल पटल पर। तो त्रिभुजाकार समतल पटल क्या होता है? देखो, एक ट्रायंगुलर प्लेन कैसा होगा? ये आपका एक ट्रायंगुलर प्लेन है ना, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ये ट्रायंगुलर प्लेन है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? इसका द्रव्यमान केंद्र वहां होगा जहां पर, जिस पॉइंट पर इस त्रिभुज की, जिस बिंदु पर इस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जो है जहां मिलती होगी वहीं होगा। अगर मैं इस बिंदु, अगर मैं यहां से इसकी माध्यिका यानी कि मीडियम को खींचू तो कहाँ गिरेगा? इस पॉइंट पर गिरेगा। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं वापस बनाएंगे हम। इसकी जो माध्यिका है वो यहाँ होगी। इस अगर इस वाले आम की, इस वाली भुजा की हम माध्यिका खींचे तो वो हमें यहाँ कहीं मिलेगी, और इस वाली भुजा की अगर हम माध्यिका खींचे तो वो हमें यहाँ कहीं मिलेगी। तो देखो, यहाँ पर जो तीनों माध्यिकाएं हैं वो किस बिंदु पर मिल रही है? तीनों जो माध्यिकाएं हैं वो इस बिंदु पर मिलेगी। तो इस त्रिभुज का, इस त्रिभुजाकार समतल पटल का जो द्रव्यमान केंद्र है वो भी इस ग्रीन वाले बिंदु पर स्थित होगा, वो भी इस ग्रीन वाले बिंदु पर स्थित होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, अब ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिख लेंगे? ये डायग्राम मैंने थोड़ा साइड में बनाया क्योंकि थोड़ा बड़ा बनाना था मुझे। इसके लिए हम स्टेटमेंट लिख लेंगे कि छड़ के केंद्र, सॉरी माध्यमाओं के कटान बिंदु पर क्या है? त्रिभुजाकार समतल पटल का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ स्थित होगा? माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, यहाँ स्थित होगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सीधा सीधा आंसर यहाँ पर लिख करके आएंगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, अब हम कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे जिसमें से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जल्दी जल्दी। तो हम यहाँ लिखते जा रहे हैं साथ में ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब जैसे मान लो कि मेरे पास में यहाँ पर आपको एक सिचुएशन लेनी है कि यहाँ पर मेरे पास में एक छड़ है ना, और ये छड़ क्या कर रही है? ये छड़ हमारी जो है घूर्णन गति कर रही है, घूर्णी गति कर रही है, मतलब तो यहां पर इस अक्ष के इस पॉइंट से यहां पर मेरे पास में ये छड़ है, और ये छड़ क्या कर रही है? इसका गोला अगर हम चेंज कर पाए तो, एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। मान लो कि मेरी ये छड़ है, और ये छड़ क्या कर रही है? ये जो छड़ है ये घूम रही है, कैसे? इस तरीके से, इस तरीके से घूम रही है, ठीक है ना, मतलब इसका केंद्र है और इस केंद्र से इस तरीके से घूम रही है, घूर्णी गति कर रही है। तो जब ये घूर्णी गति कर रही है तो यहाँ पर ये एक समान छड़ है, और एक समान छड़ का जो द्रव्यमान केंद्र है वो छड़ के केंद्र पर ही स्थित रहता है, यहीं पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो जब भी आपकी कोई वस्तु या फिर आपकी कोई वस्तु जब क्या करती है? घूर्णी गति करती है, और घूर्णी गति किस प्रकार करती है कि उस वस्तु का जो केंद्र है, उस वस्तु के केंद्र के अक्ष के सापेक्ष ही वो वस्तु आपकी घूर्णन गति कर रही है। तो उस स्थिति में क्या है, वस्तु का, वस्तु सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जहां पर वस्तु का द्रव्यमान केंद्र है वहीं से, उसी पॉइंट से वो घूर्णी गति कर रही है। तो क्या यहाँ पर जब वस्तु घूर्णी गति कर रही है तो सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में क्या कोई बदलाव हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु इस तरीके से सिचुएटेड है, वस्तु आपकी यूं थी और वो क्या कर रही है,
वो इस तरीके से गोल घूम रही है, और उसकी अक्ष क्या है, इस अक्ष के सापेक्ष यूं ऐसे ही घूमती जा रही, घूमती जा रही, घूमती जा रही। पंखा देखा है ना, इस तरीके से जैसे पंखा चलता है, वो एक हेलीकॉप्टर जैसा पंखा आता है बच्चों का छोटा खेलने का, तो ये घूमता है ऐसे। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मेरी तीनों पंखुड़ियां ये क्या कर रही है, घूर्णी गति कर रही है। और घूर्णी गति कहाँ कर रही है, घूर्णी गति कर रही है किसी एक केंद्र के सापेक्ष, और उसी केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान केंद्र भी स्थित है। तो इस स्थिति में जो वस्तु है उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं अगर आपकी कोई वस्तु ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से गति घूर्णी गति कर रही है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि जो आपकी छड़ है, छड़ को बना देते हैं हम, कि जो आपकी छड़ है, ये छड़ को मैं डॉटेड लाइन से बना देती हूँ ना, यहाँ पर जो हमारी ये छड़ है ये क्या कर रही है, यहां पर जो ये हमारी छड़ है ये घूर्णी गति कर रही है। इस तरीके से तो जब ये घूर्णी गति कर रही है तो साथ ही साथ में क्या हो रहा है, इसका द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है वो तो अपनी जगह ही बनी हुई है, लेकिन ये इस तरीके से गति कर रही है तो द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपकी यही छड़, लेकिन अगर आपकी यही छड़, यही आपकी जो छड़ है ये इस तरीके से रेखीय गति करे, अगर यही आपकी छड़ इस तरीके से रेखीय गति करे, तो इसका अब जैसे ये यहाँ है, रेखीय गति करेगी तो ये जो आपकी छड़ है ये कुछ समय बाद में, ये जो आपकी छड़ है ये कुछ समय बाद में क्या करेगी, छड़ आपकी कुछ समय बाद में जो आपकी छड़ है वो कुछ समय बाद में यहाँ आ जाएगी। एक सेकेंड, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब आपकी वस्तु रेखीय गति कर रही है तो इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति भी बदल रही है। तो यहाँ पर हम यही पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पर जो है हम यही पॉइंट मेंशन कर लेंगे, यही पॉइंट हम मेंशन करेंगे कि केवल स्थानांतरीय गति में, केवल केवल स्थानांतरीय गति में वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में बदलाव आता है, बदलाव आता है। और कब बदलाव नहीं आएगा, जबकि वस्तु की घूर्णी गति द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष, जबकि वस्तु की घूर्णी गति, और ये घूर्णी गति कैसी है, ये घूर्णी गति कैसी है कि जो द्रव्यमान केंद्र है, जो द्रव्यमान केंद्र है उससे होकर गुजरने वाली अक्ष, जो अक्ष है जो घूर्णी गति की अक्ष है उसकी अक्ष जो है वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से ही निकल रही है, द्रव्यमान केंद्र से होकर होकर गुजरने गुजरने वाले अक्ष के परित, डायग्राम बना दिया मैंने अक्ष के परित कि जब वस्तु ऐसे घूम रही है कि जो वस्तु का द्रव्यमान केंद्र है वही उसकी घूर्णन गति करने की अक्ष भी है, तो इस स्थिति में जो वस्तु का, तो इस स्थिति में जो वस्तु का द्रव्यमान केंद्र है, तो इस स्थिति में वस्तु के घूर्णी गति वस्तु की घूर्णी गति नहीं लिखा मैंने, वस्तु की घूर्णी ये ब्रैकेट वाली चीज है, वस्तु की घूर्णी गति
के कारण के कैसी घूर्णी गति है कि वो इस प्रकार घूम रही है कि जो वस्तु का द्रव्यमान केंद्र है उसी से वही उसकी घूर्णी गति का भी केंद्र है ना, वहीं से। तो घूर्णी गति के कारण वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इन्हें नोट कर रहे हैं, तो यहाँ हम इस पॉइंट को इस तरीके से लिख लेंगे। आई होप ये क्लियर है, ये दिखाई दे रहा है, और नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया है, क्या और भी पॉइंट्स हैं? तो हाँ बच्चों, और भी पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट हम और लिखेंगे, और अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर नोट करेंगे कि यदि निकाय के कण जिनका द्रव्यमान, यहाँ हम नोट करेंगे कि यदि निकाय के कण जिनका द्रव्यमान, कण होंगे कोई, द्रव्यमान m1, m2, m3 और ऐसे mn है, तो इस द्रव्य, इस निकाय के जितने भी कण हैं ये क्या कर रहे हैं, क्रमशः ये सब लाइन से है ना, क्रमशः V1, V2, V3 और इसी तरीके से Vn वेग से गतिमान है, तब वस्तु के तब वस्तु के द्रव्यमान केंद्र का वेग बताओ। तो वस्तु के द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, है ना, क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पर मेरे पास में कोई वस्तु है, इस वस्तु के अंदर कण है, m1 कण, m2 कण, m3 कण, m4 कण है ना, और यहाँ पर इसमें बीच का इसका कोई द्रव्यमान केंद्र होगा। ये केंद्र जो है, ये सारे जो कण है v1, v2, v3 तथा v4 गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस स्थिति में इस वस्तु के द्रव्यमान कण का जो वेग है वो क्या होगा, आपको वो बताना है। तो इस स्थिति में जो द्रव्यमान केंद्र का, इस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो क्या होगा, सिंपल है, आपने मूवमेंट वाला आंसर याद करा था ना, वैसे ही होगा। तो द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो क्या होगा, समस्त कणों के जो द्रव्यमान और उनका वेग है, द्रव्यमान और वेग का टोटल, उसको भाग दे दो आप टोटल द्रव्यमान से, उसको भाग दे दो आप टोटल द्रव्यमान से। तो यहाँ पर वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है उसके वेग का
स्थिति जो है कुछ इस प्रकार होगा। जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्वेश्चंस को भी यू सॉल्व करेंगे इन्हीं फॉर्मूलास का यूज करके। तो यहाँ पर हमारे पास में ये एक फॉर्मूला बन गया है जिसको हम नोट कर लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें इसे याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इसकी बात। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पर, लास्ट पॉइंट है ये, लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। यदि निकाय के केंद्र का द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश R में हो तो, अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको वस्तु के, जिसमें आपको वस्तु के द्रव्यमान केंद्र का, वस्तु के द्रव्यमान केंद्र का वेग बताना है, लेकिन यहाँ पर आपको, यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान केंद्र का वेग पूछा है, और द्रव्यमान केंद्र का, इस द्रव्यमान केंद्र को आपको स्थिति सदिश में दे दिया है कि भाई यहाँ पर मेरे पास में कोई वस्तु है और इस वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है इसकी स्थिति है एक्स डैश। तो इस वस्तु के, इस वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है उसका वेग बताओ। तो वो आप कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है, पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आपको पता है कि जब भी आप स्थिति सदिश का अवकलन करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? वेग मिल जाता है। तो हम क्या कर देंगे, द्रव्यमान केंद्र की जो भी आपको स्थिति दे रखी है उसका हम अवकलन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें द्रव्यमान केंद्र का वेग प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे कि यदि, यदि निकाय, यदि निकाय के केंद्र के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, यदि निकाय के केंद्र का, यदि निकाय के केंद्र का, निकाय के केंद्र के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति, स्थिति सदिश, द्रव्यमान पूरे सिस्टम का जो द्रव्यमान केंद्र है उसका, उसका स्थिति सदिश, उसका स्थिति सदिश आपको दे दिया हो कोई भी एक्स वेक्टर या आर वेक्टर, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग आप किस प्रकार निकालेंगे? तो इस स्थिति में जो द्रव्यमान केंद्र है उस द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए हम इसका अवकलन कर देंगे, इसका हम अवकलन कर देंगे। मतलब, और R को आप क्या लिख सकते हो, R का जो मान है आपने क्या सीखा है, R का मान RCM, क्योंकि जो आपका द्रव्यमान केंद्र है उसकी स्थिति दे रखी है, और RCM को हमने क्या लिखना सीखा है, RCM को हमने सीखा था M1 R1 प्लस M2 R2, ऐसे करके सीखा था ना हमने, ये MN RN बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस MN। तो यहाँ पर R का वैल्यू रख देंगे, जो भी हो, आप, आपको अगर स्थिति सदिश दे रखा है तो आप डायरेक्ट उसका स्थिति सदिश दे रखा है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उस स्थिति सदिश का आप अवकलन कर दोगे, जिससे, जिससे क्या होगा, आपका जो द्रव्यमान केंद्र है उसका वेग आपको पता लग जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सेंटर ऑफ मास से जुड़ी हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारी घूर्णन गति से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और किस तरीके से हम रेखीय गति के जो सूत्र है वो घूर्णन गति के अंदर लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जिन पॉइंट से मिलते हैं, बनते हैं, उन पॉइंट्स को आपने अच्छे से समझा होगा। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डायरेक्ट टिक करके आना है और भी कोई ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। रही बात फॉर्मूलाज की, तो आपको उनको एज इट इज याद करना है, क्योंकि हम जो, हम एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं वो MCQ बेस्ड है, वहां पर आपसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, आपको वहां पर डायरेक्ट आंसर निकालना होगा, जिसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले हम चैप्टर कवर करेंगे और फिर हम इन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों, मिलते
मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।